आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्पल राय, जिनका संगम नगरी इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज से गहरा नाता है, ये वो पतित पावनी धरती थी जहां पर उत्पल राय पले बढ़े, शिक्षा ली और अपने व्यक्तित्व को निखारा। उत्पल राय का जन्म मझवारा में जून महीने में सन 1971 में हुआ था। तब भला कौन जानता था कि उत्पल राय का इतना बड़ा नाम और कद होगा। सामान्य परिवार में जन्मे उत्पल राय के पिताजी का समाज में खासा सम्मान था। पिता डॉक्टर रामकमल राय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। बचपन से ही उत्पल राय को पिता का मार्गदर्शन मिला। उत्पल राय के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उत्पल राय ने छात्र संघ राजनीति में अलग छवि स्थापित की। अपने विशिष्ट तेवर की वजह से उत्पल राय की खास पहचान बनी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अलग मुकाम हासिल किया। वर्ष 1994 में छात्र संघ उपाध्यक्ष रहते हुए समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2007 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास विकास परिषद के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। 2012 में मधुबन विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जिसमें 27,000 मत हासिल किए, साथ ही तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। 9 जुलाई 2016 में तत्कालीन मंत्री भारत सरकार मनोज सिन्हा एवं तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पार्टी में अपने अनुभव के दम पर खास जगह बनाई। 2017 में संगठन के निर्देश पर दर्जनों विधानसभाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। में भी संगठन के निर्देश पर प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के लिए और बलिया संसदीय क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह मस्त के लिए अपने अनुभव को साझा किया, साथ ही दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की। फिर संगठन के निर्देश पर बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले में एक महीने प्रवास किया। प्रवास के दौरान राजनीतिक समीकरण दुरुस्त किए, जिसका नतीजा ये निकला कि 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। उत्पल राय है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना माना नाम। विशिष्ट तेवर है उत्पल राय की खास पहचान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है गहरा नाता। छात्र संघ राजनीति में स्थापित की अलग छवि। समाजवादी पार्टी से किया राजनीतिक सफर का आगाज। वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी से मधुबन सीट से लड़ा चुनाव। जून 1971 में हुआ उत्पल राय का जन्म। पिता डॉक्टर रामकमल राय प्राध्यापक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे पिता। पिता डॉक्टर रामकमल राय का मिला मार्गदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अलग मुकाम स्थापित किया। वर्ष 1994 में छात्र संघ उपाध्यक्ष रहते हुए समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2007 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास विकास परिषद के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। 2012 में मधुबन विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 27,000 मत हासिल किए, साथ ही तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। 9 जुलाई 2016 में तत्कालीन मंत्री भारत सरकार मनोज सिन्हा एवं तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। 2017 में संगठन के निर्देश पर दर्जनों विधानसभाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2019 में भी संगठन के निर्देश पर
प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के लिए, बलिया संसदीय क्षेत्र से माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त के लिए अपने अनुभव को साझा किया, साथ ही दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की। फिर संगठन के निर्देश पर बिहार विधानसभा के चुनाव में बेगूसराय जिले में एक महीने प्रवास किया। प्रवास के दौरान राजनीतिक समीकरण दुरुस्त किए, जिसका नतीजा ये निकला कि 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।